हाय दोस्तों, शीट मेटल बाय जाकिर में आप सभी का स्वागत है। मैं जाकिर खान। देखिए दोस्तों, ये डक कलर का डग है। आज हम आपको ये बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। देखिए दोस्तों, ये डक कलर का डायमीटर है। ये बड़ा हमें मिला नहीं है। हमें ऐसे में 18 इंच का चाहिए था। हमारा जो कलर का साइज़ है वो 21x21 का है। वो हिसाब से हमें 18 का डायमीटर चाहिए था, वो मिला नहीं हमें। तो दोस्तों, हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं और ये डायमीटर भी पुराना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ऐसा साइज़ है। पहले ऐसा साइज़ निकालना है हमें। 10 इंच 100 तैयारी है दोस्तों इसकी। ये देखिए दोस्तों, पहले 25 के लिए 100। देखिए दोस्तों, 25 के लिए 100, 10 इंच 100 दोस्तों, 85 600 दोस्तों, फिर स्क्रू मारने के लिए, फिर यहाँ से 200 ये चिपिंग के लिए है दोस्तों। इस तरह से मार के मार देना है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जिस तरह से मार के मारे हैं, सेम आगे भी नीचे साइड में भी इस तरह से मार के मार देना है दोस्तों। ऐसा साइज़ निकाल लिया। अब इस तरह का साइज़ निकालना है, खड़ा साइज़ निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पीछे से 3 इंच छोड़ देना है। ये 18 इंच तैयारी है। ये देखिए दोस्तों, ये 18 इंच तैयारी है दोस्तों। इसे 2 इंच बड़ा रखना है हमें, 20 इंच का रखना है दोस्तों। हमें 2 इंच आगे रहता है दोस्तों। ये ऐसे में तैयारी 20 इंच लेना है दोस्तों इसकी। देखिए दोस्तों, 25 के लिए 100, 20 इंच लेना है। ये 20 इंच, फिर यहाँ से ये 1/2 इंच दोस्तों चिपिंग के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये जिस तरह मार्किंग मारे हैं, ये देखिए तैयारी की, सेम आगे भी इसी तरह मार के मार देना है। ये देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ से 10 इंच सीधा लेना है, फिर यहाँ से स्लोप है दोस्तों नीचे तक, यहाँ तक स्लोप है। ये देखिए दोस्तों, ये सामने का हिस्सा है, ये चिपिंग, ये 10 इंच यहाँ से लिए है। ये देखिए इस तरह से, ये नीचे का हिस्सा है दोस्तों। तो ये जो मार्किंग मारे है दोस्तों, और इधर से ये इसे मिला देना है। ये देखिए, इसे इस तरह से मिला देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मिला देना है इसे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, ये देखो दोस्तों, ऐसे एक एक सूत मार के मारते जाना है। ये 25 के लिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से 25 की मार के मार देना है। ये देखिए, देखिए दोस्तों, इस तरह से खस के मारना है इसे। ये देखिए इस तरह से, ये नीचे का है दोस्तों। ये देखिए, ये पीछे का है दोस्तों। इस तरह से मारना है। ये देखिए, देखिए दोस्तों, डक कलर का पाका है ये। ऐसा पाका हर एक लगेगा हमें। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस तरह चिपिंग करना है और थोड़ा सा मार देना दोस्तों से। ये देखिए इस तरह से, अभी चिपिंग निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह चिपिंग कर देना है इसकी। ये बेंडिंग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से रेड एंगल बेंडिंग कर देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से पच्ची को निकालना है।
देखिए दोस्तों, 425 कोर निकाल लेना इसकी, ये देखिए, और ये बेंडिंग अंदर साइड लेने का दोस्तों, ये देखिए दोनों अपोजिट हो गए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब इसका पाखा होगा, अब इसका ये घेरा काटना है दोस्तों। तो इसके लिए दो सूत लाना, एक एक सूत करके दो दो, दो सूत। देखिए दोस्तों, एक सूत, फिर उसके बाद ये और एक सूत, इस तरह से, ऐसे 15 इंच है। देखिए दोस्तों, यहाँ से 15 इंच पिया से 125 के लिए दोस्तों, फिर एक सूत, दो सूत होना इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये जिस तरह के मार्किंग मारे हैं, सेम आगे इस तरह मार्किंग मार देना है। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये 1/2 इंच चिपिंग के लिए, जिस तरह पाखों के लिए दोस्तों, जिस तरह पाखों के लिए, उसे भी इस तरह चिपिंग लेना है 1/2 इंच। देखिए दोस्तों, ये 1/2 इंच से इसकी को बॉर्डर मिला देना है, इसे इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, और इस तरह से उठाते आना है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से। देखिए दोस्तों, इसे बॉर्डर से बॉर्डर मिला देना है, और ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, इसका यहाँ आया बॉर्डर। ये देखिए दोस्तों, इसे इस तरह से मार्किंग खींच डालना है, 1/2 इंच ले लेना है दोस्तों यहाँ से बॉर्डर है, और 200 चिपिंग। ये देखिए दोस्तों, ये 1/2 इंच, 200 चिपिंग, ये 200 की चिपिंग है दोस्तों, यहाँ से काट के निकालना, जो हमें नहीं लगेंगे दोस्तों ये है वो। देखिए दोस्तों, ये घेरा कट गया, इसके खच के इस तरह से मारना है, इस तरह खचका मारना है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह खचका मारना है, ये सामने का है दोस्तों। ये इस तरह से मारना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 1/2 इंच की है, तो ये 200 1/2 इंच, ये पीछे का हिस्सा है दोस्तों, और ये सामने का है। देखिए दोस्तों, ये 1/2 इंच है चिपिंग में, देखिए दोस्तों, ये 1/2 इंच है चिपिंग वाली, सामने का हिस्सा। देखिए दोस्तों, ये पीछे का है, पहले 200 चिपिंग है, देखिए दोस्तों, 200 की चिपिंग हो गई, इधर से 1/2 इंच की चिपिंग हो गई। अब इसकी 25 कोर निकालना है दोस्तों, ये जो 25 की कोर है दोस्तों, ये 25 कोर निकालना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह इसके इसमें फंसा देना है, और ये अपी डालना है दोस्तों। ये देखिए, खुली है, और ये चिप है, सेम इधर भी वैसे करना है। ये देखिए, इधर से 25 को निकालना है, यहाँ से पूरा खुली रखते हैं, 1/2 इंच की बेंड करना है। ये देखिए, इस तरह से बेंड कर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 25 को इस तरह फंसा देना है, इसमें इस तरह फंसा देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से लग लेना है, यह लगा देना है लग लग। देखिए दोस्तों, अब यहाँ मार रहा हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से दोस्तों, अब यहाँ लगा है। ये देखिए, इस तरह से लगा के, देखिए दोस्तों, इस तरह से पच्ची मारना है इसकी। ये देखिए, ये ऐसी पच्ची आई।
देखिए दोस्तों, डक तैयार हो गया। ये देखिए इधर साइड का, देखिए देखिए दोस्तों, डक तैयार हो गया। डक कूलर की फिटिंग करेंगे तो जब आपको बता देंगे कि किस तरह से फिट होता है, किस तरह से ये टॉप में फिट होता है, अंदर से स्क्रू किस तरह से मारे जाते हैं, ये सब आपको बता देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।